आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रैनी की रियल हॉरर स्टोरी। तो ग्रैनी की कहानी की शुरुआत उसके जन्म से होती है। ग्रैनी का जन्म पाराग्वे के एम्बोस्काडा में होता है। ग्रैनी के पेरेंट्स के पास कोई जॉब नहीं होती और इसी कारण से ग्रैनी के पापा ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। ग्रैनी जब 10 साल की थी तब उसके पापा नोटों से भरा हुआ एक बैग घर पर लाते हैं, जहां वो अपनी वाइफ और ग्रैनी को ये बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक जॉब को कंप्लीट किया है और ये सारे पैसे उनके जॉब के ही है। ग्रैनी के पापा के पास इतने सारे पैसे आने के बाद वह सभी काफी डिसेंट लाइफ जीने लगे और कुछ ही टाइम बाद ग्रैनी और उसकी फैमिली पाराग्वे से रोमानिया आ जाते हैं। रोमानिया आने के बाद ग्रैनी और उसकी पूरी फैमिली करीब 5 years तक आइसोलेटेड प्लेस में रहे और इस दौरान ग्रैनी को स्कूल जाने तक की परमिशन नहीं होती। दरअसल ग्रैनी के पापा ने ग्रैनी और अपनी वाइफ से ये झूठ कहा होता है कि जो पैसे वो लेकर आए थे वो उनकी जॉब के थे, बल्कि रियल बात ये थी कि ग्रैनी के डैड ने उन सारे पैसों को ड्रग डीलर से चुराया होता है और यही कारण था कि ग्रैनी के डैड ने अपनी पूरी फैमिली को आइसोलेट कर रखा था ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एक दिन अचानक जब ग्रैनी और उसकी पूरी फैमिली खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ लोग ग्रैनी के घर में आते हैं और ग्रैनी के पापा और उसकी माँ को मार देते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिनसे ग्रैनी के पापा ने पैसों की चोरी की थी। ग्रैनी किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर से दूर जंगलों में कहीं भाग जाती है। इन सारे इंसिडेंट से ग्रैनी काफी घबरा जाती है और इसी कारण ग्रैनी जंगलों में काफी दूर तक चली जाती है और तभी ग्रैनी को जंगलों में ही एक मैंशन दिखाई देता है जो कि काफी डरावना दिख रहा होता है। जब ग्रैनी उस मेंशन के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता और जब ग्रैनी उस मेंशन के एक रूम में जाती है तो ग्रैनी को अंधेरे में कई सारे पुराने पेंटिंग्स दिखाई देती है। तभी ग्रैनी एक दूसरे कमरे में एक कपल को देखती है जिनका नाम चार्ली और एवा था। चार्ली एक इटालियन पेंटर था और एक काइंड बिहेवियर वाला इंसान भी। चार्ली ग्रैनी को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है जिसके बाद ग्रैनी चार्ली को सारी बात बता देती है। ग्रैनी की बातों को सुनकर चार्ली और एवा काफी हैरान हो जाते हैं और फिर चार्ली और एवा अगले दिन पुलिस कंप्लेन करने का डिसाइड करते हैं। पर चार्ली और एवा को ये बात पता नहीं थी कि वो अगले दिन की सुबह कभी नहीं देख पाएंगे। दरअसल उस मेंशन में चार्ली की फर्स्ट वाइफ की ईविल सोल रहती थी जो कि बस चार्ली और एवा के सोने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो चार्ली और एवा को मार सके। उसी रात जब ग्रैनी चार्ली और एवा सो रहे होते हैं तभी ग्रैनी को चार्ली की फर्स्ट वाइफ की सोल हॉन्ट करने लगती है जिससे डरकर ग्रैनी मेंशन से बाहर भाग जाती है। चार्ली की फर्स्ट वाइफ की सोल ने ग्रैनी को बस इसीलिए जाने दिया क्योंकि वो बस चार्ली और एवा से ही अपना रिवेंज लेना चाहती थी, क्योंकि चार्ली ने ही अपनी फर्स्ट वाइफ को मारा होता है ताकि वो एवा से शादी कर सके। मेंशन से भागने के बाद ग्रैनी घने जंगलों में फिर से चली जाती है और चलते चलते रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन ग्रैनी खुद को एक पुलिस स्टेशन में पाती है जहां पुलिस उसके होश में आने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। होश में आने के बाद ग्रैनी अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट्स को कन्फेस कर देती है पर ग्रैनी पुलिस को मेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर जब पुलिस को ये पता चलता है कि ग्रैनी एक ऑर्फन है तो ग्रैनी को बाद में एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे ग्रैनी बड़ी होती है और 18 years की एज में आते आते ग्रैनी एक बार में जॉब करने लगती है। ग्रैनी दूसरों से काफी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेती थी और अपनी इन्हीं एबिलिटीज को यूज कर ग्रैनी एक लग्जरियस होटल में कुक की जॉब लेने में सक्सेसफुल हो जाती है। जॉब करने के दौरान ही ग्रैनी की मुलाकात एक वेटर से होती है जो कि उसी होटल में जॉब करता था और वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा ही होते हैं। धीरे धीरे ग्रैनी और वो वेटर क्लोज आ जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रैनी के पुराने घर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे उन गैंग मेंबर्स ने बर्बाद कर दिया था जिन्होंने ग्रैनी के मॉम डैड का मर्डर किया होता है।
कुछ ही टाइम बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ग्रैंडपा एक कारपेंटर का काम करने लगते हैं। शादी के कुछ ही टाइम बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा को एक डॉटर होती है जिसका नाम वे एंजेलिना रखते हैं। एक दिन ग्रैंडपा ग्रैनी के घर के आसपास के कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वही मेंशन दिखाई देता है जहां से भागकर बचपन में ग्रैनी ने अपनी जान बचाई थी। ग्रैनी ने कभी ग्रैंडपा को उस मेंशन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में नहीं बताया था। ग्रैंडपा उस मेंशन के अंदर जाती है जहां उन्हें पैसों से भरा एक बैग दिखाई देता है। जैसे ही ग्रैंडपा उस बैग को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी ग्रैंडपा के ऊपर एक सोल अटैक कर देती है और वो सोल किसी और की नहीं बल्कि चार्ली के वाइफ की होती है और इस अटैक के कारण ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। जब ग्रैनी को ग्रैंडपा की डेड बॉडी मिलती है तो वो ग्रैंडपा की डेड बॉडी को अपने घर के पीछे ही दफना देती है। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद भी ग्रैनी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है और एंजेलिना को अच्छे से पालती है। इन सारे इंसिडेंट्स के 7 साल बाद ग्रैनी के घर में एक बॉय आता है जिसका नाम साइमन होता है। साइमन के पेरेंट्स नहीं होते और इसी कारण ग्रैनी साइमन को अपने साथ रख लेती है। साइमन और एंजेलिना एक साथ ही बड़े होते हैं और 17 की एज आते आते दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और एक दिन जब एंजेलिना अपने घर के आसपास घूम रही होती है, तभी जंगल से कहीं से एक कर्स डॉग आता है और एंजेलिना को बाइट कर देता है। जैसे ही डॉग एंजेलिना को बाइट करता है, वैसे ही एंजेलिना भी कर्स्ड हो जाती है। पर एंजेलिना इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताती। कुछ सालों के बाद एंजेलिना और साइमन को भी एक बेटी होती है जिसका नाम वे स्लेंड्रीना रखते हैं। ग्रैनी स्लेंड्रीना से काफी प्यार करती थी। बड़े होने के बाद स्लेंड्रीना कॉफिन गाय से शादी कर लेती है। कॉफिन गाय एक पागल साइंटिस्ट होता है जो कि इंसानों को वैम्पायर में बदलने के फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहा होता है। पर स्लेंड्रीना के बड़े होते ही एंजेलिना के कर्ज के कारण स्लेंड्रीना और एंजेलिना घोस्ट बन जाते हैं और साइमन एक स्लेंडरमैन बन जाता है। ग्रैनी फिर से अपनी पूरी फैमिली को खो देती है। स्लेंड्रीना के जाने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा को वापस लाने के सभी रास्तों को ट्राई करती है पर वो अनसक्सेसफुल रहती है, जिसके बाद ग्रैनी कॉफिन मैन के साथ मिलकर ग्रैंडपा को वापस लाने के रास्ते खोजने लगती है। और कुछ कोशिशों के बाद ग्रैनी और कॉफिन मैन ग्रैंडपा को वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ग्रैनी ग्रैंडपा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं ला पाती बल्कि कॉफिन मैन के एक्सपेरिमेंट्स के कारण ग्रैंडपा एक घोस्टली फॉर्म में अलाइव हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद ही ग्रैनी भी कर्स के कारण घोस्टली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद से ग्रैनी और ग्रैंडपा उस घर में आने वाले किसी भी विक्टिम को हॉन्ट करते हैं। दोस्तों, ये है ग्रैनी हॉरर गेम की एक रियल स्टोरी। होप यू लाइक इट।